जय हिंद, वंदे मातरम। आज का टॉपिक है पाकिस्तान का करंट सिचुएशन एंड पाकिस्तान पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कमर सीमा बोल के उनका एक प्रोफेसर है और उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। वो इंडियन मीडिया में भी आते हैं डिस्कशन के लिए, इंडियन यूट्यूब चैनल में भी आके इंटरव्यू वगैरह देते हैं। तो एक्चुअली क्या है, वो सारे मुनाफिकत ही है। वो जब इंडियन न्यूज़ चैनल में आते हैं बात करते हैं, जो उनका नेशनल मीडिया में जाते हैं पाकिस्तान नेशनल मीडिया में, तब कोई दूसरी बात ही बोलते हैं ना। मुनाफिकी तो जो भी है वो पुराना बात है। अभी रिसेंट जो है उन्होंने कहा कि इंडिया 200% टैक्स ड्यूटी लगा दिया है ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर। तो ये लोग देखो, दिन में आपसे कारोबार करेंगे, रात में आपसे जंग करेंगे। हाँ चलो, अभी आपसे लड़ाई हो गया, शाम को चलो अभी दोस्ती हो गया, इस टाइप का इन लोग का मेंटेलिटी है। तो इस मेंटेलिटी से इनको बाहर आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी ये लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे यूएस बेस्ड पाकिस्तान है सभी तरह से, बहुत अच्छे आदमी है, बट पाकिस्तान में अच्छे आदमी की कोई कदर नहीं है, कोई इनका सुनता नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ही चलते रहेंगे, होगा तो पाकिस्तान में नहीं चलेगा। बदमाशी, जब कहाँ से पैसा मिलेगा, ये करो, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो कमर चीमा साहब ने फिर एक बार बोला, इंडिया से अच्छा दोस्ती होता अगर 30 साल से पीस हो गया होता, तो ये हमारे इंडिया टाटा अंबानी अदानी बिरला महिंद्रा विप्रो इंफोसिस और कौन सा नहीं है, सभी जाके इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में। बात तो सही है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो फाउंडर है, इन लोगों ने कुछ बोला है, कंट्री मिल गया इन लोगों को, ऐसे ही तो ऐसे ही कोई मेहनत तो किया नहीं, मजहब के नाम पे लिया कंट्री। अभी मजहब को अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे तो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो सचिन तरड़ साहब बीच में इंडिया विजिट किए थे, तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन अच्छे आदमी को नहीं सुनते। और एक बात बताओ, पाकिस्तान में वैसे यूएस बेस्ड कोई प्रोफेसर है पाकिस्तानी मोदी से, तो ये क्या इमरान खान के इलेक्शन से पहले वो मीडिया में आते थे, मीडिया में आते थे, आपके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते थे, इंडिया से ऐसे करना है, हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा, हमारा वेलफेयर होगा। लेकिन जब इमरान खान ने उनको उनका नेशनल एडवाइजर रखा है, इसका बात तो ये तो जंग के अलावा कुछ बात ही नहीं करता था। तो पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता। मोदी उस जो यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ कोई डिफेंस का थिंक टैंक का भी हिस्सा है, ऐसा ऐसा बात करता था, कभी मीटिंग था तो ये है वो ऐसा है तो वैसा है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन इसके लिए जो कोई माहौल बनाना पड़ता है। अब 10 साल 12 साल कोई चीज़ के लिए आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तब ना उसका आउटपुट आएगा, नहीं आज ही हमको चाहिए वैसे ही। तो ऐसे ही सजी तरह। और एक बात, मैं सन्नी सर पे एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलरली उनका ऊपर, तो नया चैनल है ऐसे चल रहा है, मतलब वर्ल्ड अफेयर्स में वहाँ सन्नी सर का मोटा मोटी बोल देते हैं। हम लोग 15-20 साल पहले से उनको देख रहे थे, कभी जब वो भी हम अच्छा अच्छा बात बोलता है, बीच में कभी बोलता है मैं साउथ एशिया का कहाँ से उसका रिलेशन है, ये तो मतलब इन लोग का कोई सारे गवा नहीं है, ऐसे ही छोड़ता है एक एक पॉलिटिशियन। तो जब बात करता है, एक तो इमरान खान का कोई मिनिस्टर लेडी थी, वो बोल रही थी कि इमरान खान जीता है इसलिए इस बार अच्छा बारिश हुआ है, मतलब कुछ भी। और इधर पागो कोविड कश्मीर का देखो, जो आजाद कश्मीर सो कॉल्ड बोलते हैं और इसका चूर्ण भी बेचते हैं, आपका नाम मैंने आजाद कश्मीर रखा, तो आप थोड़ी आजाद कश्मीर, आप तो हमारे गुलाम हैं। लेकिन इनको समझने में 70 साल लग गया आजाद कश्मीर वालों को,
तो खैर अभी तो इन लोग को पता चल रहा है कि इंडिया ना हमारा कश्मीर में इतना डेवलपमेंट इतना ये है, टेररिज्म को बोल रहा है कि मजहब का नाम से सिर्फ टेररिज्म ही हो सकता है और कुछ नहीं, भलाई नहीं हो सकता। तो ये सब के चक्कर में अभी वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट ऐसा है कि कहाँ भी एक प्रोटेस्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट है। पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस कहाँ नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर में डिस्टर्बेंस है, खैबर पख्तूनख्वा में डिस्टर्बेंस है, बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस है, सिंध में भी डिस्टर्बेंस है। तो ये लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, ये लोग सुधरेंगे नहीं, वही हमारा हेडेक बढ़ा के रहेंगे। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, दोबारा।